दोस्तों, क्या आप भी इस दिवाली सेल में 15,000 के अंदर एक अच्छा कैमरा वाला फोन लेने की सोच रहे थे, लेकिन आपको कोई अच्छा कैमरा फोन मिला ही नहीं? तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 सबसे बेस्ट लेटेस्ट ट्रेंडिंग कैमरा फोन 15,000 के अंदर, जिनमें आपको 108 मेगापिक्सल तक का तगड़ा कैमरा मिलेगा 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन के साथ, और डिस्प्ले परफॉर्मेंस और डिजाइन भी एक नंबर मिलेगा आपको। और इन तीनों में से एक फोन तो ऐसा है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलेगा तगड़ी गेमिंग के लिए, इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो मेरी लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर आता है Redmi की तरफ से Redmi Note 13 5G। ओवरऑल ये फोन काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है 15,000 के अंदर, क्योंकि इसमें आपको MediaTek Dimensity 6080 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो की काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है आपको। आगे डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंचेस का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है पंच होल के साथ, जो कि आपको काफी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और इसे आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है 33W फास्ट चार्जर के साथ, जो कि आपको नॉर्मली 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देती है, और ये फोन एंड्रॉइड 13 पर वर्क करता है। सो ओवरऑल देखें तो अंडर 15,000 ये फोन काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, और डिजाइन और लुक वाइज भी ये काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें तो आप इसे 14,500 में खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 14X। ये फोन आपको अपनी प्राइस के हिसाब से काफी तगड़े फीचर्स और परफॉर्मेंस निकाल के देता है, क्योंकि इसमें आपको MediaTek का Dimensity 6300 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि इस प्राइस के अंदर काफी कम फोनों में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच की 120Hz रिफ्रेश रेट वाली पंच होल डिस्प्ले मिलती है, जिसमें कि आपको काफी ब्राइट और वाइब्रेंट कलर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और साथ ही 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर है, और इससे आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये फोन आपको काफी अच्छी फोटोज निकाल के दे देगा। नेक्स्ट बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है 18W फास्ट चार्जर के साथ, ये भी आपको मैक्सिमम 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा, और ये फोन एंड्रॉइड 14 पर वर्क करता है। फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन आपको 13,999 रुपए में मिल जाएगा। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इसमें आपको फीचर्स और परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलती है। सो फर्स्ट नंबर के फोन के बारे में जानने से पहले टेक रोस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फाइनली मेरी लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर आता है Redmi की तरफ से Redmi 13 5G। इसे मैंने फर्स्ट पोजीशन पर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आपको Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट मिलता है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि इस सेगमेंट में काफी कम फोन्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.79 इंच की 120Hz रिफ्रेश रेट वाली पंच होल डिस्प्ले मिलती है, जो कि काफी वाइब्रेंट और स्मूथ डिस्प्ले है। नेक्स्ट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है, और इससे आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5030mAh की बैटरी मिलती है 33W फास्ट चार्जर के साथ, जो कि आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप तो आराम से दे देगी, और ये फोन भी एंड्रॉइड 14 पर वर्क करता है। और फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन आपको 13,500 में मिल जाएगा। सो गाइस, ये थे मेरे टॉप 3 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। आपको कौन सा फोन पसंद आया कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।